अस्सलामुअलैकुम। आज हम कराची स्पेशल कीमा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये 1.25 किलो कीमा लिया है बड़े का, और ये सारा सामान लिया है। तो डालते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। आप पूरी रह गए तो इधर हमने जो है तेल, 1.5 चम्मच तेल ले लिया, जो सालन वाला होता है सरसों का, वो गरम कर लिया क्योंकि कीमा हमारा चिकना है। यानी हमने ये 3 प्याजें ली हैं, ये स्लाइस कर लिया, ये डाल देंगे इसमें। इसको हल्का हल्का सा नरम कर लेते हैं प्याज को, और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो जाएगी। ये 5 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया, प्याज हमारी नरम हो गई है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसमें थोड़े से हम साबुत मसाले डाल देते हैं। तो 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून हमने जो है लौंग ली है, और इतनी ही काली मिर्चें ली है 1/4 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, और ये लहसुन है 1 टीस्पून, तो ये ड्राई लहसुन है, आप चाहे तो ताज़ा भी डाल सकते हैं। तो ये सब डाल देंगे हम इसके अंदर, इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। इसके अंदर हम कीमा डाल देंगे, देखिए कीमा हमारा चिकना है थोड़ा, आप चाहे तो रूखा ले सकते हैं। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के, अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए कीमे को हमने अच्छे से 5 से 7 मिनट इसे फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ये भी डाल देते हैं मिर्चें भी, तो हमने 2 शिमला मिर्च ली हैं बड़े साइज़ की, महीन महीन काट ली हैं, आप देख सकते हैं इसके बीज निकाल दिए हमने। और हमने इसमें 100 ग्राम जो है हरी मिर्चें ली हैं, ये भी डाल देंगे इसी में, आप अपने हिसाब से डालें कम या ज़्यादा, शिमला मिर्चें तो तेज़ नहीं होती हैं, तो ये बस मज़े के लिए डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा हमारे कीमे में। इसी के साथ साथ हम इसमें नींबू डाल देंगे, तो ये 3 नींबू का रस है, ये भी डाल देंगे। तो हमने जीरा समेत लिया है, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिर्चे वगैरह इसमें मिला दिए अच्छे से, अब इसकी इसमें उबाल आने लगा, अब इसकी आंच जो है मीडियम कर देंगे, और इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ेगा गोश्त जो है, क्योंकि धुला हुआ है तो पानी हो ही जाता है थोड़ा बहुत। देखिए ढक्कन लगा देते हैं कुकर का, 10 से 12 मिनट के बाद दिखाते हैं, क्योंकि ये कीमा है और मशीन का है, अगर चाहे आपका हाथ का कूटा हुआ हो तो 15 मिनट पूरे उसको लगेंगे, और ये मशीन का है जल्दी गल जाएगा, तो दिखाते हैं 12 मिनट के बाद। देखिए 12 मिनट हो गए हमारे कीमा को पकते हुए, अब खोल के देख लेते हैं। देखिए खुलते ही बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आई है इसमें से, देख सकते हैं। कीमा बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला था इसमें जरा सा भी। इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं हम, तो भूनने के साथ साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, इससे और भी अच्छी खुशबू आएगी। अगर चाहे आपको इसे थोड़ा सा कलर चेंज करना है, पीला करना है, तो पीली मिर्चें डाल लें, या कलर के लिए हल्दी डाल लें थोड़ी सी, लेकिन हमें ऐसे ही चाहिए, ये ऐसे ही होता है। चूल्हा बंद कर दिया, कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसमें पानी भी नहीं है, ऑयल है, तो बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बना है ये। प्लेट में निकाल लेते, हमारा कीमा जो है बन के तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा सा बना है, आप जरूर ट्राई करें। और जब तक हरा धनिया नहीं होता किसी चीज़ पे तो अच्छा ही नहीं लगता है, जान आ जाती है, तो आप काट के डालें या साबुत रख दें, आपकी मर्जी है। तो हमें हरा धनिया हरी मिर्चें बहुत ही पसंद है, और इसी के साथ साथ हमने खाने के लिए दही फुल्की भी बनाई है।
क्योंकि हमने जो है दही बड़े भी बनाए साथ में ही, बेसन के दही बड़े। तो अगर जो आपको इसकी वीडियो देखनी है, रेसिपी देखनी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपके लिए ज़रूर डालेंगे। और बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम, ये देखिए आप, बिल्कुल एकदम नरम मुलायम पकौड़ी बन के तैयार हुई है। अगर जो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर जो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।